Good evening everyone, welcome back to my channel, myself Priyanka Sarkar and ये है बंगाल का नज़ारा. Please comment below कैसा लग रहा है आप लोगों को. देखिए animals में कितना unity होता है, यही चीज़ इंसान में नहीं होता. ये लोग बेजुबान ज़रूर होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो एक अलग ही लेवल पे होता है. देख करके मन खुश हो जाता. कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बींग में आप वो चीज़ नहीं पाएंगे, इसके जैसे आजकल के ज़माने के लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए खुद पे डिपेंड रहिए एंड अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करके गुजर जाए, अच्छा बुरा कुछ भी आपको बोल करके निकल जाए, तो वो आपको प्रभावित ना करे. आई नो इट्स वेरी टफ, मेरे लिए भी बहुत टफ है, फिर भी क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ तो आप लोगों को भी बोल रही हूँ. ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग हमें ऐसे वर्ड्स बोल के निकल जाते हैं, लोगों के मार को भुलाया जा सकता है. अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया बोल सकते हो, पर कोई इंसान अगर आपको कोई वर्ड बोल करके निकल जाए ना कुछ भी, तो उसे ना मरते दम तक भूलना बहुत डिफिकल्ट होता है. बार बार मतलब जब भी आप उस इंसान को देखो वो चीज़ आपके दिमाग में आती है एंड वो पूरा सिचुएशन, वो जो पूरा इन्वायरमेंट है वो रिपीट हो जाता है, जो इंसिडेंट है वो पूरा रिपीट हो जाता है, नज़र के सामने से जैसे गुजर जाता है, सारे वर्ड्स उन लोगों के याद आ जाते हैं और वो चीज़ कभी कभी बहुत पेनफुल होता है. इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ना कुछ भी मत बोलिए, बोलने से पहले हज़ार बार सोचिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे को कहीं भी किसी भी तरह से ना इफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे. क्योंकि मार को भुलाया जा सकता है लेकिन इंसान की कड़वी बातों को कभी नहीं भुलाया जा सकता. और जो लोग सुनते हैं, जो लोग ऐसे लोगों के गलत कड़वे वर्ड्स को सुनना पड़ता है, मैं उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप को अनइफेक्टेड रखने का, कि आपको कोई प्रभाव ही ना पड़े. क्योंकि जिस दिन आपको प्रभाव पड़ना बंद हो गया, जिस दिन आप उससे से इफेक्ट होना बंद हो गया ना, उस दिन वैसे लोग बोलना भी छोड़ देंगे. ये पक्की बात है कि वैसे लोग बोलना भी छोड़ देंगे. बाकी आज का ब्लॉग बहुत ही मिनी ब्लॉग था, मैं यहीं पर रैपअप करती हूँ. एंड माई हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट फाइन. आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए जो 10 मिनट्स वाला ब्लॉग अपलोड कर रही थी, जो किसी टॉपिक पर बेस्ड था, अ मोटिवेशन ब्लॉग, वो बहुत जल्द कंटिन्यू कर पाऊँगी. थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.